नारायण। संतों ने मनुष्य को जागृत संदेश दिया है, पशु को जगाना नहीं पड़ता, मनुष्य को जगाना पड़ता है। संतों का निर्णय है, मोह निशा जग सोवन हारा, सारा जग मोह रूपी रात्रि में सो रहा है, देखत स्वप्न विचित्र प्रकारा, और सुख दुख के सपने देख रहा है। उन सपनों में जगाने वाले, सपनों से जगाने वाले संत महात्मा सावधान करते हैं, जागो जागो, और परिचय भी देते हैं, जानिए तबहि जीव जग जागा। जागृत का परिचय क्या है? जानिए तबहि जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा। जब विषय यानी आसक्तियों से विराग हो जाता है, तब जानो ये जागृति है। मोह निशा जग सोवन हारा, सारा जग मोह निद्रा में सो रहा है, सुख दुख के सपने देख रहा है। तो ये जागृत संदेश केवल मानव के लिए है, पशु के लिए नहीं। लेकिन मानव जागृत संदेश सुन करके भी यदि बुद्धि विकसित नहीं है तो उस पर प्रभाव नहीं पड़ता। मानव आकृति को मानव नहीं कहते, विद्वानों के मत में विवेक युक्त जीवन मानव जीवन है। मानव आकृति में शक्ति हो सकती है, संपत्ति हो सकती है, परिवार हो सकता है, लेकिन विवेक न हो तो मानव आकृति में मानव नहीं हो सकता। मानव आकृति में पशु प्रवृत्तियां काम करती रहती हैं, मानव आकृति में आसुरी वृत्तियां काम करती रहती हैं, मानवता के विकास में दैवी वृत्तियां काम करती हैं, उसको मानव कहते हैं। मानव, उस मानव में जागृति का परिचय धर्म से मिलता है। धर्म का मतलब केवल मानी हुई पद्धतियां नहीं है, धर्म का अर्थ है जिसमें जागृति हो, और जागृत का अर्थ है जिसका धर्म का विवेक हो, और धर्म विवेक का अर्थ है पशु प्रवृत्ति और आसुरी प्रवृत्ति को में विजय प्राप्त करके वो शक्ति मानवता मानवीय गुणों के विकास में लग जाए, दैवी गुणों के प्रकाश में लग जाए। ये मानव की जागृति का परिचय है। समझ लेना चाहिए मनुष्य जाग रहा है, मोह निशा इसकी छूट गई है। तो संत जागृति संदेश देते हैं। हम लोग यदि जाग जाए, जागे न होते तो यहाँ ना आते, जागे न होते तो ये परमार्थ अपने जीवन के परम हित का संदेश न सुनते। लोभी नहीं जागता, मोही नहीं जागता, अभिमानी नहीं जागता, कामी नहीं जागता। इनके परिणाम को, परिणाम में दुख का दर्शन करते हुए जो मानव गुणों के विकास का, दोषों के नाश का प्रयत्न करता है वो जागता है। और गुणों का विकास अथवा दोषों का नाश केवल विवेक से होता है। वो विवेक संत का निर्णय है, होई विवेक मोह भ्रम भागा। अब बिन सत्संग विवेक न होई, संतों के संग बिना विवेक नहीं होता। तो संत का मतलब केवल वेश नहीं है, संत का मतलब जो सत्य से मिले हुए भक्त हैं। भक्त का मतलब मंदिर जाना मात्र नहीं है, भक्त का मतलब जो भगवान से, जिनकी परमात्मा से जिनकी भिन्नता मिट गई, भिन्नता सत्य से भिन्नता के मिट जाना ही भक्त होने के लक्षण है। संसार में अपना कुछ न मानना ही मुक्त होने के लक्षण है। मुक्त वही है जो संसार में अपना कुछ नहीं मानता, और संसार में जो अपना कुछ नहीं मानता उसमें फिर लोभ क्यों होगा, मोह क्यों होता होगा, अभिमान क्यों होगा। दोषों की निवृत्ति ही जागृति का परिचय है, और ये दोषों की निवृत्ति विवेक से होती है। विवेक संत संग से होता है, कब? जब बुद्धि शुद्ध होती है। शुद्ध बुद्धि के लक्षण हैं जो संसार में अपना कुछ नहीं मानता, सब कुछ भगवान का जान करके, भगवान का जान करके, मान करके नहीं, अपना कुछ नहीं मानता। कब? जब भगवान का सब कुछ जानता है, भगवान को ही अपना सर्वस्व मानता है, तब उसके अंदर ये मोह लोभ अभिमान आदि नहीं रह जाता। हमें जो परमात्मा से प्रेम मिला है, प्रेम और ज्ञान और शक्ति तीन चीजें परमात्मा से मिलती हैं। अहंकार अपनी माने बैठा है, यही अज्ञान है। परमात्मा प्रेममय है, परमात्मा ज्ञानमय है, परमात्मा शक्तिमय है। उसी शक्ति से सारे संसार में ये सब क्रियाएं हो, कर्म हो रहे हैं। उसी ज्ञान से समझ समझ करके मनुष्य कुछ प्राप्त करना चाहता है,
और प्रेम से तन्मय होकर के सुखास्वाद लेता है। सुख का स्वाद प्रेम से आता है और पदार्थों की प्राप्ति ज्ञान से होती है और उनका भोग शक्ति से होता है। शक्ति, ज्ञान, प्रेम, ये तीनों, अहंकार अपना अधिकार जमाए बैठा है अज्ञान में, लेकिन है ये शक्ति परमात्मा, शक्तिमान परमात्मा की है। ज्ञान, ज्ञान पर अखंड ज्ञान स्वरूप परमात्मा का है और प्रेम पूर्ण प्रेम स्वरूप परमात्मा का प्रेम है। ये हमारे साथ क्यों है? क्योंकि संत का निर्णय है ईश्वर अंश जीव अविनाशी। ये जीव संसार का नहीं है, जीव परमात्मा का अंश है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ये अविनाशी है, विनाशी नहीं है। लेकिन संत संग में विवेक न होने के कारण जहाँ तक मरने का भय है, ये देह का संग है। देह छूटती है, चेतना में कभी मृत्यु नहीं पहुँचती, चेतना को मृत्यु छू ही नहीं सकती। ये ऐसा विवेक जिसे हो जाता है उसी का मोह भ्रम दूर होता है। मोह भ्रम दूर होने से ज्ञान और प्रेम दोनों बच जाते हैं। ज्ञान बच गया तो मुक्त हो गया, प्रेम बच गया तो आनंद में पहुंच गया। प्रेम से आनंद की अनुभूति होती है, ज्ञान से बंधन का, स्वतंत्रता का स्वाद मिलता है। हम कामनाओं से परित्यक्त, हम जीव रूप में सांसारिक इच्छाओं, कामनाओं, वस्तुओं, व्यक्तियों के अधीन होकर के परतंत्र हो रहे हैं। केवल सुखाशक्ति बस हम मानते हैं हमें माता पिता, पति पत्नी, पुत्र, धन संपदा, भूमि भवन से सुख मिलता है। जहाँ तक हम कहीं अपने से भिन्न में सुख मानते हैं, तब तक हम विवेक युक्त जीवन नहीं बिता रहे हैं। जहाँ तक हमें अपना किसी से हमें सुख मालूम होता है, इसी से पराधीन है। गांव के लोग भी कहते हैं पराधीन सपनों सुख माही, पराधीन सपनों सुख नाही। लेकिन ये नहीं सोच पाते सबकी पराधीन बनाया किससे। परमात्मा ऐसा कठोर नहीं है, निर्दयी नहीं है जो हमें पराधीन बना दिया है। जीव परमात्मा से विमुख हो करके, परमात्मा की शक्ति और ज्ञान प्रेम को अपना मान करके अहंकार से भोगी बना हुआ है। वो जब वस्तु में सुख मानता है तो लोभी बन जाता है, जब व्यक्तियों में सुख मानता है तो मोही बन जाता है, अधिकार में सुख मानता है तो अभिमानी बन जाता है। देखो दोष कहाँ से बन गए, अपना मानने के कारण बन गए। अपना क्यों मानता है जीव? क्योंकि जानता नहीं कि ये सब अखंड अनंत शक्तिमान अखंड ज्ञान स्वरूप परम प्रेम स्वरूप परमात्मा से मिला है, ये नहीं जानता। ये जानना संतों के संग से होता है। संतों के संग में पहुंच करके भी यदि बुद्धि विकसित नहीं होती, बुद्धि मोह रूपी कीचड़ से सनी होती है, तो साधारण मनुष्य की कौन कहे। आपने कथाएं सुनी होगी, परम ज्ञान स्वरूप परमात्मा कृष्ण और महाधनुर्धारी वीर आत्मा अर्जुन, उनकी बुद्धि जब मोह से सनी थी तब भी उनको सत्य का पता न था, अपने कर्तव्य का पता न था। भगवान से कह, ये तो कह देते हैं होश आने पर, शिष्यस्तेहं शादिमांग त्वांग प्रपन्नम, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझे उपदेश दीजिए। और फिर थोड़ी देर बाद कहते हैं मैं युद्ध नहीं करूँगा। अब ये शरण हुई। जो अहंकार शरणागत हो जाता है वो फिर अपनी इच्छा की पक्ष क्यों लेगा, लेकिन अर्जुन पक्ष ले रहा है। तब भगवान अर्जुन को थोड़ा हंस करके कहते हैं, तुम पंडितों की से तो बातें करते हो, मैं त्रिलोक के राज के लिए भी बंधु बांधवों को मार करके युद्ध नहीं सुख चाहता, और ये जो कहते तो ये हो, अब मोह तुम्हें किसका है? मार करके तुम किसी को मारोगे, किसी को मारोगे, यही भ्रम है। प्रत्येक जीव मृत्यु के पथ में चल रहा है, प्रत्येक जीव के साथ संबंध होता है, ये संयोग है, और मृत्यु में संबंध का भी योग होता है। मृत्यु किसकी होती? मृत्यु का मतलब अभाव नहीं है, मृत्यु में अभाव नहीं हो जाता, खाली शरीर बदल जाता है। तो भगवान अर्जुन से कहते हैं हंस करके कि तुम पंडितों की से तो बातें करते हो, जैसे बड़ा विराग है, बड़े त्यागी हो, बड़े परोपकारी हो, और तुम्हारा ये मोह क्या बता रहा था? मोह बता रहा है तुम्हें विवेक नहीं है। जो अपना नहीं उसे अपना मानते हो, और जो तुम अपना है उसे जानते नहीं हो। मानने और जानने में ही अंतर है। ज्ञान के प्रकाश में बुद्धि द्वारा जाना जाता है, अज्ञान में मन के द्वारा सुन सुन करके माना जाता है। बाल्यकाल से जो बालक ने सुना, माता पिता ने बताया, बेटा ये तुम्हारा घर है, ये तुम्हारे माता पिता हैं, ये तुम्हारे बंधु हैं, ये तुम्हारे पड़ोस में शत्रु हैं, जो सुना वही मान लिया। बालक के पास बुद्धि तो होती नहीं, सुनता है मान लेता है। लेकिन बुद्धि के विकास होने पर
मानने की ऐसी आदत पड़ जाती है कि बड़ी से बड़ी आयु होने पर वो मानना समाप्त नहीं होता, और जब तक मानना समाप्त नहीं होता तब तक मोह लोभ अभिमान कामना का भी अंत नहीं होता, और जब तक इन दोषों का अंत नहीं होता तब तक कितना ही कुछ जीव करे, पूजा करे, पाठ करे, भगवान के दर्शन करे, तीर्थ यात्रा करे, लेकिन मोह लोभ अभिमान आदि दोषों का अंत नहीं होता। दोषों का अंत कैसे होता है? जब विवेक होता है, विवेक से ही मोह भ्रम का अंत होता है। मन में भ्रम है, बुद्धि में अविवेक है, तो मोह और भ्रम का अंत होने पर फिर प्रेम बच जाता है, वो प्रेम राग की बजाय अनुराग हो जाता है। अपने से भिन्न को चाहना राग है, और जिससे हमें प्रेम मिला है उसकी तरफ प्रेम को मोड़ देना अनुराग है। अनुराग शब्द बड़ा गंभीर अर्थ रखता है, अनुराग और राग। अपने से भिन्न वस्तुओं में व्यक्तियों में राग होता है, और जो हमसे कभी भिन्न नहीं हुआ, जिससे ही हमको सब कुछ मिला है, प्रेम मिला है, ज्ञान मिला है, शक्ति मिली है, उसकी तरफ प्रेम को मोड़ देना अनुराग है। अब अनुराग होने पर उसकी आज्ञानुसार करना, ज्ञान के अनुसार आज्ञानुसार करना ही मुक्ति का पथ है। वही मुक्त होता है जो ज्ञान की बात मानता है। बंधन में वो पड़ता है जो ज्ञान की बात न मान करके मन से मान लेता है। मन से मान लेने पर ही मोह होता है, लोभ होता है, अभिमान होता है, कामनाएं बढ़ती हैं। यही संसार का रास्ता है, इसी में जीव बंधा हुआ है। हम लोग अगर मुक्त होना चाहते हैं तो ज्ञान में देखने की आदत डालें। पकड़ने की आदत तो बचपन से है, मेरा मेरा जहां तक कहते हैं पकड़ना हुआ। उस पकड़े हुए को जब ज्ञान में देखा तो पता चला है मेरा तो अधिकार अपने शरीर पर नहीं है। जब अपने तन पर अधिकार नहीं है तो दूसरे शरीरों पर हमारा अधिकार होगा, और जब दूसरों शरीर पर अधिकार न होगा और फिर अधिकार मानेंगे तो अहंकार तो पुष्ट होता रहेगा। इसीलिए अहंकारम बलम दर्पम कामं क्रोधं परिग्रहं विमुच्य निर्ममा शांतो। जो ज्ञान में देखते हैं वो काम क्रोध लोभ मोह अभिमान आदि से मुक्त होकर के शांत हो जाते हैं। पहले शांत होते हैं, शांत होने पर बुद्धि के द्वारा अखंड ब्रह्म तत्व का, व्यापक तत्व का ज्ञान होता है। तभी गीता में भगवान कहते हैं ब्रह्म भूता प्रसन्नात्मा। उसकी प्रसन्नता दूसरे पर निर्भर नहीं होती, अपने आप में आनंदित रहता है। ब्रह्म भूता प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति, न वो गए हुए का शोक करता है और न ही मिला है उसकी न कांक्षा करता है। ये है ज्ञान का परिचय। जो शोक करता है वो ज्ञान में नहीं है, ये मिल जाए ऐसी कांक्षा करता है वो भी ज्ञान में नहीं देखता। ज्ञान में देखता तो जो मिला है वही छूट जाएगा, और मिलेगा तो क्या रह जाएगा। लेकिन संसार के लाखों प्राणी कुछ पाना चाहते हैं, और जो मिलता है तो उसे बचाना चाहते हैं। ज्ञान एक तरफ, गीता रामायण के पाठ एक तरफ, लेकिन जब तक कुछ पाने की कामना है सुख के लिए और मिले हुए को बचाने की कामना है, तब तक ज्ञान में देखना नहीं आया, पकड़ना आ गया। मेरा मेरा है वो बना रहे, और जो मेरा नहीं है दूसरे के पास है वो मेरा हो जाए, ये तृष्णा, ये राग, ये अभिमान जीव को बांधे हुए है। होए विवेक मोह भ्रम भागा।